तो अब अपन अगला फाइलम पढ़ेंगे। ये अपना फाइलम नंबर 8 है और इस फाइलम का नाम है मोलस्का। तो चलो अपन आठवां फाइलम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन 8th फाइलम पढ़ेंगे और इस 8th फाइलम का नाम है मोलस्का। मोलस्का नाम है इस फाइलम का। चलो तो मोलस्का की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मोलस्का के बारे में बात करूं तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि मोलस्का जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। देखो मैंने मोलस्का के सामने लिखा कि ये कैसा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, इससे पता ये चल रहा है कि सबसे पहला लार्जेस्ट फाइलम मतलब सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो कल ही अपन ने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। फिर आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम आएगा वो फाइलम है मोलस्का। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। तो अपन इसमें अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर मैं इसके अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसमें ऐसे जानवर पाए जाते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी है एज वेल एज एक्वाटिक भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पे पाए जाते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है कि ये लोग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या फिर ये लोग एक्वाटिक भी हो सकते हैं। और एक्वेटिक में भी ये खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में भी ये पाए जा सकते हैं। तो ये इनके अपन ने दो प्रॉपर्टी देखी है। अब अगर मैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनकी बॉडी कैसी बनी हुई है, तो इन लोगों के ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रेजेंट। तो इन लोगों के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन लोगों के अंदर सिमेट्री की, तो इन लोगों के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब यह है कि अगर मैं इन लोगों को एक प्लेन से कट करूं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि इन लोगों के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इन लोगों के अंदर। चलो फिर अगला पॉइंट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इन लोगों के अंदर सिलोम प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये कि इनके अंदर तीन जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगी। एक होंगे एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर है, मेसोडर्म जो मिडिल लेयर है और एंडोडर्म जो अंदर की लेयर है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म है ये लोग। और अगर मैं बात करूं इनके अगले प्रॉपर्टी की, तो इनके बॉडी में कैविटी पाई जाती है, सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। इनके बॉडी में अपन बोल सकते हैं इनके बॉडी में सिलोम प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और ये लोग सिलोमेट हो गए। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे लोग कि ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और इनके पास क्या प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है। तो इनको अपन सिलोमेट बोल सकते हैं। चलो तो ये हो गई इनकी 5th प्रॉपर्टी। अब अगर मैं 6th प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बाहर ऊपर शेल प्रेजेंट है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी के ऊपर, जैसे इंसानों की बात करूं तो इंसानों के बॉडी के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अपने बॉडी की आखिरी लेयर कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, तो मैं बोलूंगा मेरी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है स्किन। स्किन है मेरी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर। बट अगर मैं बात करूं मोलस्का की, तो मोलस्का में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाहर में शेल प्रेजेंट रहता है और ये शेल जो है ये कैल्शियम से बना होता है, इसलिए इसको कैल्शियस सेल या कैल्केरियस सेल्स भी बोला जाता है। चलो तो अपन इसमें अगला पॉइंट ऐड कर देंगे कि इनकी बॉडी जो है अपन लिख देंगे बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस सेल। चलो तो ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर कैल्शियम का सेल पाया जाता है और क्योंकि ये कैल्शियम से मिलकर बना होता है इनका सेल, इसीलिए इस सेल को बोला जाता है कैल्केरियस सेल्स। तो शेल, ठीक है। तो इन लोगों के बॉडी में बाहर एक आउटर कवरिंग होती है शेल की और ये शेल कैल्शियम से बना होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कैल्केरियस शेल। चलो तो ये अपन ने देखा इनके प्रॉपर्टी एक। अब अगर मैं इनकी बॉडी के बारे में बात करूं तो इनकी बॉडी अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कल अपन ने देखा था कि आर्थ्रोपोड्स में तीन बॉडी के तीन मेन पार्ट्स थे। क्या क्या तीन मेन पार्ट थे, एक था हेड, एक था थॉरेक्स और एक था एब्डोमेन। इंसानों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अगर इंसानों की अपनी बात करूं तो अपने पास भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो यहां से लेके यहां तक के ये जो पार्ट है ये हेड है,
फिर यहां से लेके कंधे से लेके ये जो मेरा यहाँ पे जो डायफ्राम प्रेजेंट है ये वाला पार्ट जो ये थोरेक्स वाला पार्ट है, और फिर ये थोरेक्स वाले पार्ट के नीचे ये डायफ्राम से लेके कमर तक के जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्डोमेन। तो इंसानों की बात करो या फिर इंसान छोड़ो, इंसान तो अभी अपन पढ़ने के हैं। आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोड में तीन मेन बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट थे। क्या क्या तीन बॉडी पार्ट्स थे? एक था उनका हेड, एक था थोरेक्स और एक था एब्डोमेन। बट मोलस्का की अगर मैं बात करूं तो मोलस्का के बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। क्या है इनके बॉडी पार्ट्स, तो चलो अपन देखते हैं। तो अपन इनमें लिख देंगे कि दे आर अनसेगमेंटेड। इसका मतलब ये कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सेगमेंट मतलब जैसे अर्थवॉर्म देखोगे तुम लोग तो उनके बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इंटरनली और एक्सटर्नली उन लोगों के बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट है। बट अगर मोलस्का की बात करूं तो मोलस्का अनसेगमेंटेड होते हैं, इनके बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इनकी बॉडी जो होती है तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, अनसेगमेंटेड एंड मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इनकी बॉडी तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन से ये तीन पार्ट होते हैं, चलो देखते हैं अपन। तो इनके जो तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है हेड, तो ये कॉमन हो गया, हेड पार्ट है इनका। सेकंड पार्ट जो होता है ये होता है मस्कुलर फुट या फिर मस्कुलर फीट बोल सकते हैं अपन, मस्कुलर फीट। तो हेड होता है इनके पास, मसल्स से बना हुआ फीट होता है, और एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है विसरल हम। तो चलो अपन ने यहाँ पे मोलस्का की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। क्या क्या देखा अपन ने, तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हुआ, तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हुआ है आर्थ्रोपोडा। तो ये हो गया सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अब मोलस्का में ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो पानी में भी पाए जा सकते हैं। अब पानी में पाए जाने वाले जानवर की अगर मैं बात करूं तो वो दो टाइप्स के पाए जा सकते हैं, या तो वो खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगली प्रॉपर्टी इन लोगों के पास बायलेटरल सिमेट्री है, मतलब दो इक्वल आप में डिवाइड हो जाएंगे अगर एक प्लेन से कट करें तो। फिर इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट है तो सीलोमेट बोला इनको। अगली प्रॉपर्टी की इनमें से कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के बाहर शेल होते हैं, शेल, और ये शेल जो होते हैं कैल्शियम से बने होते हैं, इसीलिए इन शेल को कैल्केरियस शेल बोला जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अनसेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये है कि इनके बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता, बाहर इंटरनली मतलब अंदर इंटरनली और बाहर एक्सटर्नली इनके बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं देखा जाता है, जबकि इनकी बॉडी तीन मेजर पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन से तीन मेजर पार्ट है, तो एक पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है मस्कुलर फीट मतलब मसल से बनी हुई फीट, और जो थर्ड पार्ट है विसरल हम। तो चलो अपन देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कि हेड किसको बोल रहे हैं, मस्कुलर फीट किसको बोल रहे हैं और विसरल हम किसको बोल रहे हैं। चलो तो अगर मैं बात करूं इनके बॉडी की, तो अभी अपन ने एक स्ट्रक्चर अभी अपन ने बताया कि इनकी बॉडी तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है। कौन से वो तीन पार्ट है, तो एक पार्ट है हेड, एक है मस्कुलर फीट और एक है विसरल हम। तो चलो मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो मैंने बनाया इसको अपन इजीली लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये मस्कुलर फिट है, ये मस्कुलर फिट है। फिर मैंने बोला था कि इन लोग के तीन पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक मस्कुलर फिट होता है, एक विसरल हम्प होता है। तो इनके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है विसरल हम्प। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसको बोलेंगे अपन विसरल हम्प। अब ये जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोल रहे हैं अपन विसरल हम्प, इस स्ट्रक्चर के ऊपर पर्टिकुलरली पता है क्या पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर के थोड़े से ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं विसरल हम्प, इस विसरल हम्प स्ट्रक्चर के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की, और ये जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है स्किन की, इस सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर को मेंटल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट, तो ये मैंने लिख दिया कि ये जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, इसको अपन बोल देंगे कि ये क्या है, ये है मेंटल। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या है अपना पॉइंट, कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी layer of skin is formed over the visceral hump, called mantle।
तो सभी लोग ध्यान दो, मैंने अब भी बताया कि लोगों की जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एक है हेड, एक है मस्कुलर फीट और एक है विसरल हम। तो मैंने बोला कि इनके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोल दिया अपन ने विसरल हम। तो ये इनकी बॉडी, इसके बॉडी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपन ने बोल दिया विसरल हम। अब ये स्ट्रक्चर है जिसको विसरल हम बोला है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, थोड़े से इस स्ट्रक्चर के ऊपर को एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है इसको बोला जाता है मेंटल। इस सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर को कहा जाता है मेंटल। अब अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो गया विसरल हम, और ये वाली जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, इसको बोल दिया अपन ने मेंटल। तो तुम लोग देख रहे होंगे मेंटल और ये विसरल हम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, दिख रहा है तुम लोगों को, मेंटल और विसरल हम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, मतलब एक खाली जगह प्रेजेंट है, और ये जो खाली जगह प्रेजेंट है इस खाली जगह को कहा जाता है मेंटल कैविटी। ये जो खाली जगह यहाँ पे प्रेजेंट है इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी, इस कैविटी को कहा जाता है मेंटल कैविटी। तो फिर से तुम लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं मोलस्का के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करूं तो इनके बॉडी में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फिट। तो ये हो गया इनका मस्कुलर फिट, फिर इनके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको विसरल हम्प बोल दिया, विसरल हम्प के ऊपर, थोड़े ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है, और वो स्किन से मतलब वो बना हुआ स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेंटल। अब मेंटल और विसरल हम के बीच में एक कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी को बोला जाता है मेंटल कैविटी। तो यहाँ पे अपन ने एक इंपॉर्टेंट इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, अपन ने यहाँ पे देखा कि इनके पास हेड होता है, मेंटल होता है, मेंटल कैविटी होता है, विसरल हम्प होता है और मस्कुलर फुट होता है। तो चलो अपन एक पॉइंट लिखेंगे इनमें, अपन एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल is known as mental cavity। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो विसरल हम और ये मेंटल, जो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसके बीच में जो खाली जगह है, इस कैविटी को बोला गया है मेंटल कैविटी। तो चलो अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? तो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको अपन मेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसको अपन फीमेल बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन वाला ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट बनाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे होते हैं, मोलस्का के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डायोशियस होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं तो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये होते हैं ओवीपैरस। कल ही मैंने बताया था तुम लोगों को कि ऑर्गेनिज्म, अगर एनिमल्स की बात करूं तो दो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल देखे जाते हैं, एक होते हैं ओवीपैरस एनिमल और एक होते हैं विवीपैरस एनिमल। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये ओवीपैरस एनिमल और विवीपैरस एनिमल क्या होता है, किसको अपन ओवीपैरस बोल रहे हैं और किसको अपन विवीपैरस बोल रहे हैं, क्या है इसका मतलब? तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। तो ओवीपैरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, जैसे हैं या फिर अपन बोल सकते हैं मुर्गी। मुर्गी को अगर तुम लोग देखो तो वो पहले एग ले करती है, फिर एग को इंक्यूबेट करती है, एग के ऊपर बैठती है, एक वार्म टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करती है, और जब वो वार्मनेस प्रोवाइड करती है एग को, तब जाके वो एग हैच होता है और उसमें से एक चूजा निकलता है। तो जो ऑर्गेनिज्म एग रिलीज करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एग में से उनका बच्चा प्रोड्यूस होता है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म है। इंसानों के केस में बात करूं मैं तो इंसानों के केस में डायरेक्ट एक न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो न्यूबॉर्न बेबी एकदम पेरेंट की तरह दिखता है, तो इसीलिए इंसानों को कहा जाता है कि इंसान कैसे ऑर्गेनिज्म है, विवीपैरस ऑर्गेनिज्म है। मतलब इंसान डायरेक्ट एक नए न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं, बट अगर ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं तो ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देंगे नहीं, देंगे बोलेंगे अपन, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, बट वो किस फॉर्म में देंगे, पहले एग रिलीज करेंगे, एग रिलीज करने के बाद एग हैच होगा और उसमें से बच्चा निकलेगा। चलो तो ये लोग ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं इन लोगों में डेवलपमेंट की बात करूं तो इनमें जो डेवलपमेंट देखा जाता है ये होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इन लोगों के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है, इसका मतलब ये कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। मतलब इन लोगों के ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ या फिर जो नया जायगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, लार्वा होगा।
फिर लार्वा आगे चल के डेवलपमेंट करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा, और इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अपन ने यहाँ पे मोलस्का फाइलम की पूरी प्रॉपर्टीज देख ली है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे मोलस्का के एग्जाम्पल्स की, कि क्या क्या एग्जाम्पल है मोलस्का की। तो चलो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो चलो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। तो इनका एक एग्जाम्पल है पिला, एक एग्जाम्पल है पिला। पिला का मतलब होता है एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल इनका एक एग्जाम्पल है। फिर सेकेंड इनका एक एग्जाम्पल है पिंग टेडा, पिंग टेडा, पिंग टेडा, और पिंग टेडा को कॉमन नेम में बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर। फिर इनका एक एग्जाम्पल है सेपिया, और सेपिया को कटल फिश कहा जाता है, कटल फिश। फिर इनका एक एग्जाम्पल है लोलीगो, लोलीगो, और लोलीगो को स्क्विड कहा जाता है। फिर इनके अगले एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल है जो होता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एक है एप्लेसिया, एप्लेसिया, और एप्लेसिया को सी हेयर कहा जाता है, शी हेयर कहा जाता है। फिर सेवेंथ तो अगर मैं बात करूं, तो इनका एक एग्जाम्पल है डेंटेलियम, डेंटेलियम, और डेंटेलियम को टस्क शेल कहा जाता है, टस्क शेल कहा जाता है। और लास्ट इनका जो एग्जाम्पल है ये है चिएटो प्यूरा, सिएटो प्यूरा, और ये है इसे चाइटॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 8 एग्जाम्पल है मोलस्का के, इतने सारे एग्जाम्पल देखे जाते हैं मोलस्का के। एक हो गया एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, स्क्विड, डेविल फिश, शी हेयर, टस्क सेल और काइटॉन। तो ये अपन ने यहाँ पे एक अगला फाइलम कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है मोलस्का। यहाँ पे अपन ने मोलस्का की प्रॉपर्टीज देखी, बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ये ओविपेरस है, ये बहुत सारे इनके अपन ने प्रॉपर्टी देखी है, और लास्ट में अपन ने इनके सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। तो यहाँ पे अपन ने मोलस्का फाइलम कंप्लीट कर लिया है। तो अब अपन नेक्स्ट फाइलम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपना 9th फाइलम है और इस फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। तो चलो अपन इकाइनोडर्मेटा की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अपन 9th फाइलम पढ़ रहे हैं और इस फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। चलो तो इकाइनोडर्मेटा की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है कि इनके पास एक स्केलेटन होगा जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये कैल्शियम से बना होता है, इसलिए इसको कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन लोगों के पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन होता है। तो अपन लिख देंगे कि इन लोगों के पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और ये एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस होता है। कैल्केरियस का मतलब ये है कि एक्सोस्केलेटन कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। चलो अब अगर इनके सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये खारे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर अपन अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं इनकी। तो इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनकी बॉडी जो होती है, इनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो अपन लिख देंगे ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। तो इन लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब इन लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। फिर अगर अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं मैं, तो इन लोगों के इसमें सिमेट्री के केस में बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज देखा जाता है। इन लोगों के केस में पता है क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं वो लोग रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और इनके जो लार्वे होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं फाइलम जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा, इनके केस में सिमेट्री अलग अलग होती है इनके लाइफ स्टेजेस में। अगर एडल्ट ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर रेडियल सिमेट्री देखी जाएगी, और अगर एक लार्वल स्टेज में वो ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कैसी सिमेट्री देखी जाएगी, उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखी जाएगी। तो चलो अपन बात करेंगे कि इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्म्स में जो एडल्ट होते हैं, इकाइनोडर्म्स में जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, रेडियल
सिमेट्री देखी जाती है, और इनके जो लार्वे होते हैं लार्वे में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऐसा किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में होता है कि इन लोगों के इसमें दो अलग अलग टाइप की सिमेट्री देखी जाती है इनके लाइफ स्टेजेस में। अगर ये लार्वे है तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखी जाएंगी, और अगर ये एडल्ट है तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखी जाएंगी। चलो अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, मतलब तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है और इनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है। तो मैं लिख दूंगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है ये कैसे है, सिलोमेट है, मतलब इनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है या फिर इनके बॉडी में सिलोम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इन लोगों के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि इन लोगों के बॉडी में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट रहेंगी, एक ओपनिंग जिसको माउथ बोलेंगे जिसके थ्रू ये खाना का इंटेक करेंगे, खाना खाएंगे, और एक और ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी जिसको बोला जाएगा एनस, जिसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे, बॉडी से वेस्ट रिलीज करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इकाइनोडर्मेटा है इन लोगों के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिख देंगे कि इन लोगों के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इन लोगों में। चलो अब अगर मैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनके पास एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम इन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इससे ये फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, इसके साथ साथ एक्सक्रिएशन में भी ये वाटर वास्कुलर सिस्टम मदद करता है। तो चलो अपन लिखेंगे अगला पॉइंट कि इन लोगों के पास क्या पाया जाता है, इन लोगों के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, इन लोगों के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इस प्रेजेंट, और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या करता है, तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम पर्टिकुलरली इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, किसी चीज को कैप्चर करने में, या फिर फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में, या रेस्पिरेशन में। चलो तो अपन लिख देंगे कि इट हेल्प्स इन लोकोमोशन कॉमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी कैप्चर, लोकोमोशन के बाद कैप्चर, फूड को अगर कैप्चर करना है तो फूड कैप्चर करने में मदद करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एंड रेस्पिरेशन। चलो तो अगर मैं इन लोगों की बात करूं इकाइनोडर्मेटा की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेवंथ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों के पास एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। देखो तुम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था पॉरीफेरा फाइलम, अब पॉरीफेरा फाइलम में भी तुम लोगों ने ऐसा कुछ नाम पढ़ा था, पर वहां पे जो नाम था वो था वाटर कैनल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम पढ़ा था तुम लोगों ने पॉरीफेरा फाइलम में, बट यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में तुम लोग एक दूसरा सिस्टम पढ़ रहे हो, और इस सिस्टम को बोला जा रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या क्या करने में मदद करेगा, तो ये इनको लोकोमोशन में मदद करेगा, मूवमेंट करने में मदद करेगा, फूड को कैप्चर करने में मदद करेगा, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, और इवन रेस्पिरेशन में ये इन ऑर्गेनिजम्स को मदद करने वाला है। चलो तो अब अपन बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की अगले प्रॉपर्टी की। तो अगर मैं इनके अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होने का मतलब ये है कि मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तभी जाके अपन बोलेंगे कि ये मेल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म क्योंकि इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अपन इसमें लिख देंगे कि इन लोगों के सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, तो इन ऑर्गेनिज्म के सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। चलो अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। अगली प्रॉपर्टी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लोग जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शो करते हैं ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ये शो करते हैं। इसका मतलब ये कि इनके जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बॉडी के बाहर आपस में फ्यूजन करते हैं और बॉडी के बाहर ही जायगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म में सेक्स सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो करते हैं, और इवन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शो करते हैं। और इन लोगों के अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इन लोगों के अंदर अपन लिख देंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, ये लार्वे बनाएंगे,
चलो तो अपन ने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली इकाइनोडर्मेटा की, अब अपन बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स की, देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो इनके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इनका एक एग्जांपल है जिसे बोला जाता है एस्टेरियास, जिसे स्टारफिश बोला जाता है, स्टारफिश इसका कॉमन नेम है बट इसको एस्टेरियास बोला जाता है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो एक है इकाइनस और इसको सी अर्चिन कहा जाता है, सी अर्चिन कहा जाता है। फिर अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो इनका एक एग्जाम्पल है एंटेडॉन और एंटेडॉन को सी लिली कहा जाता है, सी लिली। फिर फोर्थ इनका जो एग्जाम्पल है ये है कुकुमेरिया और इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। और फिर अगर मैं इनके लास्ट एग्जांपल की बात करूं तो इनका लास्ट एग्जांपल है ऑफिरुआ और इसको ब्रिटल स्टार कहा जाता है, ब्रिटल स्टार। तो यहां पे अपन ने पांच इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे इकाइनोडर्मेटा के, क्या क्या एग्जांपल है, एक है स्टारफिश, एक है सी अर्चिन, एक है सी लिली, एक है सी कुकुम्बर और एक है ब्रिटल स्टार। तो यहां पे अपन ने अगला फाइलम भी कंप्लीट कर लिया और इस फाइलम का नाम था इकाइनोडर्मेटा। तो अपन लोगों ने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 9 फाइलम्स कंप्लीट कर लिए। कौन से 9 फाइलम, चलो बात करते हैं। पॉरीफेरा पढ़ा अपन ने, फिर कॉलेंटेटा पढ़ा, फिर टीनोफोरा पढ़ा, एसके एलिमेंट्स पढ़ा, प्लेथी एलिमेंट्स पढ़ा, फिर अपन ने एनेलिडा पढ़ा, आर्थ्रोपोडा पढ़ा, फिर मोलस्का पढ़ा और अब अपन ने पढ़ा है इकाइनोडर्मेटा। तो टोटल अपन ने 9 फाइलम्स पढ़ के कंप्लीट कर लिए, अब अपन इसके बाद 10th फाइलम पढ़ेंगे। तो चलो अपन ध्यान देते हैं 10th फाइलम पे। चलो तो अब अपन अगला फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं और ये जो अपना फाइलम है ये 10th फाइलम है और इस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। चलो तो हेमिकॉर्डेटा पढ़ना अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपना 10th फाइलम है और इस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा। अगर मैं बात करूं हेमिकॉर्डेटा की तो हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा कैटेगरी के अंदर रखा था, ये जो फाइलम है इसको एक दूसरे फाइलम के अंदर रखा था जिसका नाम था कॉर्डेटा। बट अब इसमें कुछ चेंजेस देखे गए, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखे गए और क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस मिले तो अब इस हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से हटा दिया और अब इसको खुद को एक अपना फाइलम बना दिया। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो अर्लियर मतलब पहले जब क्लासिफिकेशन प्रोसेस हुई थी एनिमल किंगडम की तो ये हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम था इस फाइलम को एक दूसरे फाइलम के अंदर डाल दिया था जिसका नाम था कॉर्डेटा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैच होती थी, बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैच होती थी कॉर्डेटा से, इसीलिए इसको निकाल के डाल दिया कॉर्डेटा में। बट बाद में पता चला कि नहीं इसकी प्रॉपर्टीज अलग है तो इसका एक अलग फाइलम बना दिया और इस फाइलम का नाम रख दिया हेमिकॉर्डेटा। तो चलो अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अर्लियर हेमिकॉर्डेटा वॉज द सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। इसका मतलब क्या है, चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा इसका मतलब ये है कि पहले बहुत पहले जब क्लासिफिकेशन किया था एनिमल किंगडम की, जब ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी तब क्या किया गया था, तब ये जो हेमिकॉर्डेटा वाला जो फाइलम है इस हेमिकॉर्डेटा वाले फाइलम को एक दूसरे फाइलम के अंदर डाल दिया था। फॉर एग्जाम्पल चलो एक अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूं तुम लोगों को। मेरे पास दो चॉकलेट है, एक चॉकलेट है मेरे पास च्यूइंगम, एक मेरे पास चॉकलेट है च्यूइंगम और एक मेरे पास चॉकलेट है लॉलीपॉप। मेरे पास दो चॉकलेट्स है। अब मान लो मेरे पास च्यूइंगम और लॉलीपॉप दो अलग अलग चॉकलेट है बट इस च्यूइंगम का भी टेस्ट थोड़ा सा सेम आ रहा है और लॉलीपॉप का भी टेस्ट सेम आ रहा है, मेरे को दोनों का टेस्ट थोड़ा सेम लग रहा है। टेस्ट सेम लगने के कारण मैंने क्या किया, इस लॉलीपॉप और च्यूइंगम को एक कैटेगरी में रख दिया। अब एक कैटेगरी में रख दिया तो बाद में लोग बात पूछने लगे यार कि नहीं यार च्यूइंगम तो एक अलग चीज है और लॉलीपॉप एक अलग चीज है, मैंने दोनों को एक कैटेगरी में कैसे रख दिया। भले थोड़ा बहुत सेम आ रहा हो बट टेस्ट के बेसिस पे मैं दो चीज को अलग अलग कैटेगरी में बनाना चाहिए था, मेरे को एक ही कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए था इनको। उसी तरीके से यहाँ पे पता है क्या हुआ था, उसी तरीके से पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया था क्योंकि इसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज मैच हो रहे थे कॉर्डेटा से।
बट अगर अभी की बात करूं मैं तो अभी इसको निकाल दिया क्वाड्रेटर से, क्यों? क्योंकि इसकी बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, बाकी की पूरी प्रॉपर्टी अलग थी, तो निकाल के इनका एक अलग कैटेगरी बना दिया जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो चलो अब अपन हेमिकॉर्डेटा की एक अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाता है स्टोमोकार्ड। इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है स्टोमोकार्ड। और ये जो स्टोमोकार्ड होता है ये बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं बोलना चाहिए बट ये एग्जैक्ट सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड की तरह। अब देखो मैंने तुम लोगों को बताया था पहले ही एक टॉपिक पढ़ाया था नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। और अगर इसकी बात करो तो इसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जा सकता है इंसानों के केस में। ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसी को कॉर्डेट या फिर नोटोकॉर्ड कहा जाता है। और जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है उन ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है जिसको बुलाता है कॉर्डेटा। ये बताया था मैंने तुम लोगों को। तो नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड पे होता है, पीछे के साइड पे होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मेसोडर्म से डिराइव होता है, मेसोडर्म से बना हुआ होता है। अब इन लोगों के पास मैंने क्या बोला, तो हेमिकॉर्डेटा के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। और ये स्टोमोकॉर्ड बिल्कुल नोटोकॉर्ड की तरह दिखता था या एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड की तरह था, इसीलिए पता है इन लोगों ने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया था। बट बाद में जब रिसर्च हुआ, बाद में जब पूरा इन लोगों ने पढ़ा समझा, तब इन लोगों को पता चला कि नहीं, स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड दो अलग अलग चीज है। तब इन लोगों को हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से निकाल दिया और इनका एक अलग फाइलम बना दिया। तो अपन इसमें क्या पॉइंट लिख देंगे, एक पॉइंट लिखेंगे कि स्टोमोकॉर्ड क्या है, तो इट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग का ये पहला और ये दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा को एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया था, लॉलीपॉप को मैंने च्युइंग गम के अंदर डाल दिया, क्यों? क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा सेम लग रहा है। बट यार कोई सोचेगा च्युइंग गम चबाने वाली है जिसको अपन कंटिन्यू चबाते रहो वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली जब तक कि अपन उसको गिटकते नहीं, और च्युइंग गम को कभी गिटका नहीं जाता है। तो च्युइंग गम जो चॉकलेट है वो चबाने वाली चॉकलेट है, बट लॉलीपॉप को मैंने चबाया तो वो पूरी पिघल जाएंगे और वो उसको मैं गिटक लूंगा। तो लॉलीपॉप और च्युइंग गम ये अलग अलग चॉकलेट्स है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की, तो ये भी दो अलग अलग कैटेगरीज है। हेमिकॉर्डेटा को पहले इन लोगों ने सोचा कि ये शायद कॉर्डेटा की कोई सब टाइप होगा, तो इन लोगों ने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया। और किस बेसिस पे डाला था पता है? इन लोगों को पता था कि कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अपने डॉर्सल साइड पे होता है। बट बाद में इन लोगों को पता चला कि ये जो हेमिकॉर्डेटा है इनके पास स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है जो कि नोटोकॉर्ड से अलग है। तो इन लोगों ने तब क्या किया, कॉर्डेटा से हेमिकॉर्डेटा को बाहर निकाल दिया और इसका एक अलग फाइलम बना दिया जिसको बोल दिया हेमिकॉर्डेटा। चलो तो यहाँ पर अपने दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब अपन अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले इल्ली जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अपन लिख देंगे कि वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द फाइलम। तो इस फाइलम में कैसे एनिमल प्रेजेंट रहते हैं? इस फाइलम में वॉर्म लाइक इल्लियो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? मराइन एनिमल्स होते हैं, खारे पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं? वॉर्म टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलो अगला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट रहता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रेजेंट, तो इन लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। फिर ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है, तो ये सीलोमेट होते हैं। इन लोगों के पास सीलोम प्रेजेंट रहता है तो ये सीलोमेट होते हैं। अब अगर अगले प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब इन लोगों की बॉडी के बारे में बात करूं तो ये बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है। देखो इलिया मैंने कहा वॉर्म की अगर तुम लोग बॉडी देखोगे तो वॉर्म की बॉडी ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। तो इन लोगों की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी तीन चीज से मिलकर बनी होती है। क्या क्या वो तीन चीज होती है चलो अपन देखते हैं। तो अब इसमें अगला पॉइंट लिख देंगे कि बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड
मेड अप ऑफ और ये कितने चीज से मिलकर बनी होती है, तो ये तीन चीज से मिलकर बनी होती है। अब ये तीन चीज क्या है, चलो तो अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है एंटीरियर प्रोबस्किस। सेकेंड चीज होती है कॉलर और थर्ड चीज होती है लॉन्ग ट्रंक। तो चलो ये लास्ट वाला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनकी बॉडी जो है ये कैसी बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। अरे कोई भी इल्ली को उठा के देख लो, कोई भी बॉम्ब को उठा के देखो, वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उसकी लंबी लंबी सी एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है हेमिकॉर्डेटा, इनके अंदर वॉर्म्स जो होते हैं उन लोगों की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इनकी बॉडी तीन चीज से मिलकर बनी होती है। क्या क्या तीन चीज है, तो एक है प्रोबस्किस, एंटीरियर प्रोबस्किस का मतलब है कि ये जो प्रोबस्किस नाम का जो पार्ट है इनका, ये आगे की तरफ होगा। तो इन लोगों के पास प्रोबस्किस होता है, फिर कॉलर होता है, कॉलर वाला एक पार्ट होता है और एक पार्ट होता है लॉन्ग ट्रंक। तो चलो अब अपन इनका डायग्राम देखते हैं और समझते हैं कि प्रोबस्किस किसको बोला जाता है, लॉन्ग ट्रंक किसको बोला जाता है और कॉलर किसको बोला जाता है। चलो तो अब अपन इनके डायग्राम को देख के समझते हैं कि प्रोबस्किस किसको बोला जाता है, कॉलर किसको बोला जाता है और ट्रंक किसको बोला जाता है। तो चलो, तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रोबस्किस। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसको बोला जाता है कॉलर, और फिर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोला जाता है ट्रंक। तो अपन लेबलिंग कर लेते हैं, इसको कहा जाता है प्रोबस्किस, इसको कहा जाता है कॉलर और इसको कहा जाता है ट्रंक। तो इन लोगों की बॉडी जो होती है, इन लोगों की बॉडी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है। और ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबस्किस, ये जो ऊपर का जो पहला वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है प्रोबस्किस, फिर बीच का ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉलर, और फिर लास्ट में जो लंबी सी टेल दिख रही है इस टेल को बोला जाता है ट्रंक। तो इनकी बॉडी पार्ट जो होती है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, प्रोबस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। चलो तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर मैं इस बात करूं प्रोबस्किस की, तो प्रोबस्किस के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोबस्किस ग्लैंड। इसके अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोबस्किस ग्लैंड, और ये प्रोबस्किस ग्लैंड जो होता है ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रिएशन में, मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर रिलीज करने में ये प्रोबस्किस ग्लैंड मदद करता है। तो चलो इसमें अपन एक पॉइंट लिख देंगे। क्या पॉइंट है, कि इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोला जाता है प्रोबस्किस ग्लैंड। और ये क्या करेगा, तो ये प्रोबस्किस ग्लैंड उनके बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में या बॉडी से वेस्ट रिलीज करने में मदद करेगा। तो ये हो गया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। अब अगर मैं इनके सर्कुलेशन के बारे में बात करूं, तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, चलो इसको समझते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स इनके पास एब्सेंट होंगे। इनके पास हार्ट होगा जिससे डायरेक्ट ब्लड पंप होगा अलग अलग सेल्स और टिश्यूज में। इन लोगों के पास ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज एब्सेंट होंगे। चलो अब अगर मैं बात करूं इनके रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है गिल। तो इन लोगों के पास रेस्पिरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है गिल्स। अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो इन लोगों के सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ये कि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फिर ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। इसका मतलब ये कि इन लोगों के बॉडी के बाहर गमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और बॉडी के बाहर ही जायगोट की फॉर्मेशन होती है। चलो तो इन लोगों के इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इन लोगों में जो डेवलपमेंट देखा जाता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इन लोगों में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने हेमिकॉर्डेटा की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम लोगों को याद रखना है कि इनकी बॉडी तीन चीज से मिलकर बनी हुई है, प्रोबस्किस, कॉलर और ट्रंक, जिसमें से प्रोबस्किस ये जो स्ट्रक्चर है सामने का स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोबस्किस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है ये एक एक्सक्रेटरी ग्लैंड होता है, मतलब इनके बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है प्रोबस्किस ग्लैंड। चलो तो ये हो गए अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में मैं एक बात करूं इनका, तो इनका जो पहला एग्जाम्पल इसको बोला जाता है ब्लैनोग्लॉसस इनका एक एग्जाम्पल है, और दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो इनका दूसरा एग्जाम्पल है सेकोग्लॉसस।
तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा के, और इस दोनों एग्जाम्पल का नाम है, एक का नाम है बिलैनोग्लॉसस और एक का नाम है सेकोग्लॉसस। तो यहाँ पे अपन ने 10वां फाइलम कंप्लीट कर लिया एनिमल किंगडम का, और इस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेटा।